हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमाइंस। ठीक है, हमने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट करा था वो था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमाइंस क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज एमाइंस? एमाइंस जो होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3, दिस कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया में से अगर मैं एक H रिप्लेस कर देता हूँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला? RnH2। अगर मैं दो H रिप्लेस कर देता हूँ तो दो एल्काइल ग्रुप में लगा दे रहा हूँ RnH। अगर मैं तीनों H हटा देता हूँ तो क्या बन जाएगा? R3nH। ठीक है, ये भी एमाइन है, ये भी एमाइन है, ये भी एमाइन है। डिफरेंस क्या है कि इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। इसमें तीन एल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, आप H रिप्लेस करिए, एल्काइल ग्रुप लाइए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, अब जैसे मैं इस एल्काइल ग्रुप का CH3 ले लेता हूँ, मिथाइल CH3NH2। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्राइमरी का। मैंने क्या करा, CH3 नाइट्रोजन, इसके साथ मैंने एक और CH3 जोड़ दिया H। दो एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी, एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी। यहाँ पर नाइट्रोजन तीन एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। मान लीजिए मैंने एक CH3, दो CH3, तीन CH3, तीन CH3 ऐड कर दिए मैंने, तीन एल्काइल ग्रुप। ये वाला क्या है हमारा? टर्शियरी। ये वाला क्या है? सेकेंडरी। ये वाला क्या है? प्राइमरी। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनकी नोमेनक्लेचर करते हैं फटाफट से। नोमेनक्लेचर कैसे होगी? CH3NH2 है, एक है मेरे पास CH3N CH3H, एक मैं टर्शियरी का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर हमने तीन CH3 ऐड कर दिए। ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। एक कार्बन मेथ एन ई हटा, एमाइन जुड़ा। नेम क्या है इसका? मेथेन एमाइन। ठीक, इसमें कैसे होगा? एन में है मिथाइल, एन में है मिथाइल, और इस वाले पूरे ग्रुप को जोड़ देंगे। नाइट्रोजन में ही एक मिथाइल है, ठीक है, और नाइट्रोजन में एक और मिथाइल है, एक को दिखाएंगे एन मिथाइल, इस पूरे को एक साथ जोड़ देंगे मेथेनामाइन, मेथेन एमाइन। इस वाली का यूपीएसी कैसे होगी? N, N, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर इसको जोड़ देंगे, लिख देंगे एमाइन, NN dimethyl methanamine, N मिथाइल मिथेनामाइन मैथेनामाइन। ठीक है, अगर सेकेंडरी है, आप नेम से पता लगा सकते हैं सेकेंडरी है टर्शियरी क्या है। उसने दिखा दिया NN, दो बार यूज करा, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर टर्शियरी है। यहाँ पर एक बार N यूज करा, इसका मतलब है ये सेकेंडरी है। यहाँ पर कोई N ही यूज नहीं करा, ये इंडिकेशन है सीधी सीधी प्राइमरी है। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते। चलिए अब एक चीज आती है, हमारे पास नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, अब हमें क्लासिफिकेशन देखनी है। क्लासिफिकेशन में भी मैं बता चुका हूं आपको तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी, अगर दो एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी, अगर तीन एल्काइल ग्रुप है तो आप बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, साथ ही साथ एमाइंस का क्लासिफिकेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है? देखो स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। और एलिफैटिक क्या है?
देखिए भाई एलिफेटिक में क्या ऐसा आपने कमाल कर दिया, एलिफेटिक में कोई चेन नहीं, कोई रिंग नहीं है, चेन है। और एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक में देखो रिंग दिख रही है, ठीक है, जिसमें रिंग के साथ आपको दिखा अमीनो ग्रुप तो वो है एरोमेटिक, और अगर चेन दिख रही है वो है एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे अब हम चलते हैं, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं भाई, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, किससे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, हम ले लेते हैं RNO2, नाइट्रो ग्रुप ले लो, इसका रिडक्शन कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ब्रैकेट में एच करके भी दिखा सकते हैं, किसे बदल जाएगा RNH2। दूसरा RCN ले लिया, इसका भी आप रिडक्शन कर दो, किसे बदल जाएगा RCA CH2N है NH2। नाइट्राइल, नाइट्रो, नाइट्रो का रिडक्शन कर दो, नाइट्राइल का रिडक्शन कर दो, खेल खत्म, सीधा क्या मिल जाएगा एमाइन मिल जाएगा। तीसरा RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, एमाइड का भी रिडक्शन कर दो, क्या बदल क्या मिल जाएगा आपको RCH2NH2। नाइट्राइल का रिडक्शन, एमाइड का रिडक्शन, नाइट्रो का रिडक्शन, सर रिडक्शन कैसे कह रहे हैं, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या था ऑक्सीजन था, अब क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एड होना हाइड्रोजन का, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होता है रिडक्शन। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे चलते फटाफट से। चलिए आगे है अब हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, RCONH2 मैंने ले लिया, ठीक है, NaOBr के साथ रिएक्शन करवा दो, ये बदल जाएगा RNH2 में, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सीधा डायरेक्ट RCONH2 है NaOBr के साथ रिएक्शन करवाए, क्या मिल गया प्राइमरी एमीन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, ठीक है। नेक्स्ट गैब्रियल पथेलीमाइड सिंथेसिस, इसमें हमें क्या करना है, थैलीमाइड होता है ये, थैलीमाइड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, KOH के साथ, RX के साथ और वाटर के साथ, हमें क्या मिल जाएगा RNH2। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलेमाइड से प्राइमरी एमीन बन रहा है, हॉफमैन में एमाइड का CO खत्म, CO खत्म, सर ये तो रिडक्शन में भी कर रहा था, रिडक्शन में कार्बन खत्म नहीं हुआ था, यहां पर क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप खत्म, क्या बना प्राइमरी एमीन, क्या बना प्राइमरी एमीन, ठीक है, ये हॉफमैन रिएक्शन हो गई, नीचे वाली गैब्रियल थैलेमाइड, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
ठीक है, है? यहाँ पर हम हॉफमैन ब्रोमाइड में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर Br2 और KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम KOH और Br भी ले सकते हैं या फिर NaOBr भी ले सकते हैं, आप ये वाली याद रखिएगा, ठीक है? Br2 प्लस KOH है आपके NCERT में। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको याद रखनी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको याद रखनी है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, हम प्रिपरेशन हमारे पास हो गई, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ आती है, सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सी चीज़ सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी एमाइन है। भाई यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्राइमरी का एक एग्जांपल RnS2, यहाँ पर लिखता हूँ R2NH, यहाँ पर लिखता हूँ R3N। भाई अब सिंपल सा आप देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला सॉल्युबल नहीं होगा। तो आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखो आप कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है? तो सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सॉल्युबल होते हैं, टर्शरी वाला सॉल्युबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में, जिसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल, अब आप देखो अगर मैं कहूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इन तीनों में कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा? सर अभी अभी आपने पढ़ाया था जो टर्शरी वाला होता है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से रहा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। आपने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो सर ये तो सबसे कम इसका होगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी वाले का ज़्यादा होगा। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ बॉन्डिंग क्या होगी, होगी कम होगी, टर्शरी वाले में होगी नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली, ठीक है? नेक्स्ट अब हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज आती है, उसे बोलते हैं बेसिसिटी। अब आप देखो चाहे प्राइमरी एमीन हो, सेकेंडरी एमीन हो या टर्शरी हो, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ठीक है? अब ये चाहे आपका सेकेंडरी एमीन हो या चाहे प्राइमरी एमीन हो या फिर टर्शरी एमीन हो, सबके पास क्या है, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, ये डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट करने को ही हम यहाँ पर बेसिसिटी कह रहे हैं, कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है? तो अब हमें क्या देखना है, बेसिसिटी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है, गैस फेस में, और दूसरा है एक्वस फेस में, गैस फेस में और एक्वस फेस में। गैस में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी,
और एक्वस फेस में अगर मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और अगर C2H5 है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ध्यान से देखिए, गैस में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एक्वस में अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और अगर C2H5 है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। ठीक है, अब सर ये आपने ऐसा क्यों करा? अब एक्वस फेस में जो है हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट लगता है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये सीरीज बनती है। तो हमें यहाँ पर एक्वस में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, C2H5 में सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, हमें ऐसे याद रखना है। एक्वस वाले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते फिर। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, एक्वस ऐसे याद करना, 3-2-1, 2-1-3, 2-3-1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पर आप स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे बेसिसिटी को। अब एक है मेरे पास CH3NH2 और एक है मेरे पास रिंग के ऊपर है NH2, एक है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। ठीक है, अब अगर पूछा है इन दोनों में बेसिसिटी ज़्यादा किसकी है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि बेसिसिटी ज़्यादा इसकी है, एलिफेटिक, यहाँ पर CH3NH2 की। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ती है, कहने का मतलब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि तू जल्दी से डोनेट कर इसे। तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ बेसिसिटी बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइजेशन में चले जाते हैं रिंग के साथ, रेजोनेंस में चले जाते हैं। तो ये रेजोनेंस करने लग जाते हैं रिंग के साथ, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अवेलेबल ही नहीं रहते भाई, अवेलेबल ही नहीं रहते, ये तो रिंग में आ गए। अब रिंग में जब आ गए तो डोनेट कैसे करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन के वजह से, डीलोकलाइजेशन के वजह से क्या हो जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब अवेलेबल ही नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कैसे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, एक और इसी में ही कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। और आपने ऐसे पढ़ा होगा pH equals to माइनस में log H plus आयन, जिसकी H plus आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी pH की वैल्यू कम होती है, और जिसकी pH की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी H plus आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। वही चीज़ यहाँ पर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए फिर हम आगे चलते हैं। बेसिसिटी ज़्यादा, KB की वैल्यू ज़्यादा,
पी के बी की वैल्यू कम, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिसिटी के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है, सपोज करिए कि एरोमेटिक एमाइन है, एक में जुड़ा हुआ है CH3 और एक में जुड़ा हुआ है NO2। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में बेसिसिटी ज्यादा किसकी है, तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है। अब भाई ज्यादा किस में होगी, अब आपको ये ध्यान रखना है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी को इनक्रीज करवाएगा, मतलब कि KB की वैल्यू बढ़ेगी, PKB की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, KB की वैल्यू भी कम हो जाएगी, PKB की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब क्या देखना है, CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब आप देखो आपके सामने आंसर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, सर इसकी बेसिसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी कम, सर बेसिसिटी कम इसकी, किसके वजह से, इसके वजह से, किसके वजह से, इसके वजह से। समझ में आ गई, नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, नोट डाउन करिए इसे। कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OCH3, CH3 एल्काइल ग्रुप और NH2 एमाइन, ठीक है, अमीनो ग्रुप NH2। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जैसे CN, NO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ही कम बचेंगे नाइट्रोजन के पास तो वो डोनेट कैसे करेगा, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। अब एक चीज आती है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में कहें या फिर आइडेंटिफिकेशन कहें, मेरे पास है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, इन तीनों को हमें क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, प्राइमरी वाला रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी वाला रिएक्शन करेगा, टर्शरी वाला रिएक्शन नहीं करेगा। प्राइमरी वाला जब रिएक्शन करेगा तो N बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, यहां बनेगा N मिथाइल, बेंजीन सल्फोनामाइड, यहां बनेगा NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, यहां कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इनको क्या करा जाएगा, भाई रिएक्शन तो इसने भी करी, इसने भी करी है, अब इसको डिसॉल्व करा जाएगा एल्कली में, एल्कली मतलब KOH का सॉल्यूशन, एल्कली में ये क्या होगा, ये जो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ये आपका
एन एल्काइल कह सकते हैं, एन मिथाइल कह सकते हैं, एन एल्काइल बेंजिल सल्फोनामाइड, ये क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा KOH में, ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ये वाला जो है ये डिजोल्व नहीं होगा, ये क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल, ठीक है, ये इनसॉल्यूबल रहेगा, इसको डिजोल्व ना करके हम यहां पर कर देते हैं सॉल्यूबल। दोबारा से देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला प्राइमरी वाले में, सेकेंडरी वाले में डाला, टर्शरी वाले में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अब प्राइमरी वाले में क्या होगा, एक एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बना एन मिथाइल या एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें बना एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, एल्काइल कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब दोनों इनसॉल्यूबल है, उसको फिर इनसॉल्यूबल वाले प्रोडक्ट को किस में डाला जाएगा, एल्कली सॉल्यूशन में डाला जाएगा। एल्कली सॉल्यूशन में जब हम उसे डालेंगे तो डालने में क्या होगा, अगर वो सॉल्यूबल हो जाता है, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट जो मिला था प्राइमरी वाले का वो सॉल्यूबल हो जाता है, इसका मतलब वो प्राइमरी है। अगर नहीं होता सॉल्यूबल तो उसे बोलेंगे क्या, सेकेंडरी एमाइड, ठीक है। और टर्शरी वाला तो रिएक्शन ही नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। देखिए आर एन एच टू की अगर हम एच सी एल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आर एन एच थ्री पॉजिटिव और सी एल, एनी लीनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। क्या करेगा ये भाई, यहाँ पर लोन पेयर ऐसे दे देगा, अपने साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। दूसरी रिएक्शन क्या है, आर एन एच टू की अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो बनता है आर एन सी, एमाइन से आइसो साइनाइड का बन जाना इस कॉल्ड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तीसरी नेम रिएक्शन आ रही है अब आपके सामने, पहली क्या थी, हॉफमैन, दूसरी क्या थी, गैब्रियल, और तीसरी कार्बाइल एमाइन में क्या बना, आइसोसाइनाइड। इसमें क्या बना था, प्राइमरी एमीन, इसमें क्या बना था, प्राइमरी एमीन। रिएजेंट क्या लिया था, आर सी ओ एन एस टू, इसमें क्या लिया था, थैलीमाइड, और इसमें क्या ले रहे हैं, कार्बाइल एमाइन में एमाइन, प्राइमरी एमाइन। ये दोनों प्रिपरेशन में थी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आर एन एस टू की क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर एन सी, ठीक है। नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चलते हैं बहुत तेजी से। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन अगर हमने इसकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई, नहीं देगी, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती यहां पर। किस वजह से नहीं हो पाती, सॉल्ट फॉर्मेशन के वजह से। अब आप कहेंगे सर सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट में हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। ये कैसा होता है, ये होता है लुईस एसिड,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये वाला पार्ट NH2 वाला पार्ट ये आपका काम करेगा लुईस बेस की तरह, ये इलेक्ट्रॉन क्या है रिच। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मेशन के वजह से फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। सेकंड, अगर मैंने इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो मुझे यहाँ पर भी NO2 जुड़ा हुआ मिलेगा, इसके अलावा ऑर्थो में भी मिलेगा और इसके अलावा पैरा में भी मिलेगा। नाइट्रेशन करवाने पे क्या है भाई, ऑर्थो पैरा मिला। जैसे ऑर्थो पैरा क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसमें एक मेटा वाला मिल गया, अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि मेटा वाला क्यों मिला। तो हम ये बोलेंगे जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो NH2 ग्रुप जो है वो बदल जाता है एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव। ये NH3 पॉजिटिव कैसा होता है, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन ये कैसा होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एनिलीनियम आयन बनने के वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब मेटा में आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक्सेप्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। करिए फटाफट से नोट डाउन। चलिए आगे, दो रिएक्शन मैंने बता दी इलेक्ट्रोफिलिक में, ठीक है, एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा में मिल जाता है NO2, ठीक है, नाइट्रेशन करवाने पे। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मेटा वाला नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर NO2 चाहिए जुड़ा हुआ बस। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप को डीएक्टिवेट कर दूंगा, कैसे, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दूंगा CH3CO का ट्वाइस और O। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है यहाँ पर एमाइड बन जाएगा कुछ देर के लिए NHCOCH3, ये ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाएगा कुछ देर के लिए ये वाला ग्रुप। अब मैं यहाँ पर नाइट्रेशन करवाऊंगा, तो नाइट्रेशन करवाने पे क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा यहाँ पर आके, जुड़ गया NO2, ये ऐसा कैसी ग्रुप है। अब मुझे इस वाले ग्रुप को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा दोबारा से वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करवा दूंगा, तो NH2 में बदल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि डीएक्टिवेशन कैसे करा, हम यहाँ पर क्या करते हैं एनहाइड्राइड या एसाइल हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ पर NH2 के साथ क्या आ जाएगा NHCOCH3, तो ग्रुप क्या हो जाएगा डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है इतने वाले पार्ट में रेजोनेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, इतने वाले पार्ट में रेजोनेंस या फिर कहीं डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर क्या डीएक्टिवेट हो जाएगा, अब आप नाइट्रेशन करवाओ सल्फोनेशन करवाओ जो आपको करवाना है करवा सकते हैं। अगर मैं एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्या होगा तीन BR जुड़ जाएंगे। फिर सवाल वही आता है कि सर अगर मुझे एक BR जोड़ना है तो पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा इस ग्रुप को, फिर आप एक जोड़ सकते हैं, फिर आप एक जोड़ सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए से फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास
डाई एजो डाइजेशन, ये क्या है? एनिलीन है, हाँ जी है, एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर क्या बन जाएगा? एन टू सी एल पॉजिटिव नेगेटिव डायाजोनियम सॉल्ट। डायाजोनियम सॉल्ट का बन जाना इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। डायाजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डायाजोनियम सॉल्ट होता है रिंग के ऊपर एन टू और सी एल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड डायाजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट जो है ये रहा लिखा है डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। डायजोनियम सॉल्ट का बनना इस कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपको याद करना है। और साथ ही साथ मैं यहीं पर एक चीज़ बता देता हूँ, डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल बहुत होता है। कैसे स्टेबल होता है? यहाँ पर क्या होती है? रेजोनेंस हो जाती है स्टार्ट, ये वाला यहाँ जाएगा तो यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, रेजोनेंस स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर। तो यहां पर किस वजह से स्टेबल होता है? रेजोनेंस के वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे आते हैं फटाफट से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट पढ़ते हैं और चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। डायाजोनियम सॉल्ट होता है भैया जी ये, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ के आई के साथ, इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ एच बी एफ फोर के साथ, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ वाटर के साथ, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ एच थ्री पी ओ टू के साथ। के आई के साथ रिएक्शन करवाई, रिंग के ऊपर आई आ जाएगा, इसमें रिएक्शन में क्या हो जाएगा? रिंग के ऊपर एफ आ जाएगा, इसमें क्या होगा? रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा, इसमें क्या होगा? केवल रिंग रह जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको एरोमेटिक बनानी है तो, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, CuCl CuBr ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या हो जाएगा? CuCl के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई ऊपर आ जाएगा Cl, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा Br, ठीक है, Cl आ गया Br आ गया, ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से। CuCn के साथ करवा देते हो तो आ जाएगा Cn, ठीक है, CN लाना है CuCn, Br लाना है CuBr, Cl लेके आना है CuCl, ठीक है, ये तीनों आपकी सैंडमेयर रिएक्शन भी है, सैंडमेयर रिएक्शन भी है,
ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं, सैंडमेयर में आ सकता है कि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा दो CuCl, CuBr या CuCn के साथ, आपको मिल जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट करा, हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर कंप्लीट करा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्रिपरेशन करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी किसकी, डाइजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, अब हमारी जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। जब तक थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप काम करते रहिए, ऐसे अच्छा पढ़िए, अच्छे मार्क्स गेन करिए। थैंक यू।